कैसे आप लोग, आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ऐसे बहुत सारे होंगे जो 22 तारीख और 23 तारीख को विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो का एग्जाम देने जा रहे होंगे, और यह पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग इसके 1995 पद है, और यह पद 14 लाख अभ्यर्थियों में से 1900 सिर पे ये विराजमान होगा, और वह अपने परिवार के साथ साथ एक गांव के एक अधिकारी के रूप में जल्द ही वो नियुक्ति पाएंगे। तो ऐसे सभी अधिकारी कहीं ना कहीं ऐसे लोग लगातार पढ़ रहे होंगे और अपने जिंदगी का बेस्ट दे रहे होंगे, इस उम्मीद से इस पद का सेहरा उनके सर पर सजेगा। तो जानते रहेगा इस पद के बारे में। यह पद ऐसा होता है जो गाँव का एक अधिकारी होता है, इसे वीडियो कहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है, हमने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ी है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में जो ग्राम प्रधान होता है उसके लिए अहर्ता होती है कि वो पढ़ा लिखा हो या ना, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए उसके कार्यों मदद के लिए एक प्रधान का सचिव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वीडियो कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। कहीं ना कहीं किसी गाँव के विकास में, गाँव के विकास में एक ग्राम प्रधान के साथ साथ इस एक अधिकारी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। यह अधिकारी ऐसा होता है जो किसी भी ग्राम समाज का या किसी गांव को अर्थ से फर्श से या फर्श पे अर्थ ले आने की जिम्मेदारी दामोदार उसके सर पर होता है, और प्रत्येक ग्राम अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जो होता है वह अपने गांव की उन्नति और प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो आप उसी कार्य के लिए लगातार कितने दिन से पढ़ रहे थे, और मुझे ये पता है कि आप उस तलवार की भांति जो पूरी तरह से पक्के तैयार है कि कब खरबूजे पड़े खरबूजे को अलग कर दे, मैंने आप भी प्रतीक्षा में कब परीक्षा आए, और आप अपने उस कलम की ताकत जितना दिन से आप सजो के रखे थे उस ताकत को दिखाएं, और आप इस जो वीडियो का पद है इसमें से एक पद आपका हो, और आप भी किसी ग्राम का एक आइडियल बने, और उस गांव को आपने सोचा है वो सपनों का गांव बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग पूरे जी जान से लगे हुए होंगे। तो मैं एक छोटा सा विश्लेषण देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। यह कुछ लोग के लिए यह परीक्षा चार पाली में आयोजित होनी है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के मंडलीय स्तर पर शायद परीक्षा आयोजित की गई है। तो आप सभी प्रतियोगी समय से पहुंचेगा, इसमें बुकलेट आपको नहीं मिलेगा, और इसमें जो पेपर आने हैं तीन खंड में आएंगे, इसमें है रीजनिंग, हिंदी और जनरल स्टडी। तो जानते हैं रीजनिंग ऐसा पोर्शन है, और एक बात और, इस परीक्षा में पहली बार नकारात्मक अंक का प्रावधान किया गया है, और भी 1/2, माने अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 सही क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा या लेवल में ले लेगा। इसलिए आप किसी भी प्रश्न को यदि संशय हो उसे हाथ मत लगाइएगा, और मेरिट ज़्यादा जाने की उम्मीद भी है और नहीं भी है, क्योंकि यह डिपेंड करता है पेपर से। तो चार पाली के पेपर होंगे, और वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होगा जिसका अंतिम या तीसरी पाली में होगा, क्योंकि सभी पेपर न देने का मतलब है कि पेपर की जो पद्धति है, पेपर बनाने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, एक सूत्र में बंधा पड़ा हुआ है। मतलब अगर कहीं से अगर यह पूछ दिया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो कहीं ना कहीं अगले पल में चावल का पूछ देगा। मतलब सारे क्वेश्चन एक दूसरे से बजे हैं, इसलिए अगर आपका पहले दिन ना हो, किसी अन्य दिन एग्जाम हो, तो आप अपने नज़दीक के अभ्यर्थी से इस बात का जरूर चर्चा करिएगा कि उसके परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आए, इससे आपके पढ़ने के लिए एक सूत्रधार का पता चल जाएगा। रही बात रीजनिंग, रीजनिंग है ये तर्कशक्ति कहते हैं, यह लगभग 50 क्वेश्चन, अगर एक नंबर का होगा तो कितना होगा, 50 क्वेश्चन। यह ऐसा पोर्शन है जहाँ से आपके नंबर फिक्स होते हैं। हम आशा करते हैं आपने अगर लगातार पढ़ा होगा, कहीं नहीं ये 50 में आप 45 श्योर सही करके आएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो क्या होगा, नहीं होगी। हमें ये नहीं देखना क्वेश्चन नंबर कितने का है, हमें ये मान के चलना हम 150 में कितना सही अटेम्प्ट किए, इसलिए हम सदैव गणना एक की ही बात करेंगे। मार्क कितने चाहे जितने चाहे, वो 2 के रखे चाहे 4 के रखे, लेकिन अगर हमने अटेम्प्ट क्वेश्चन अगर हमने सही किया तो फिर गुणे कर लेंगे अपने मार्क्स से। तो ये 50 है, 50 में 45 बेहतर तरीके से कर सकते हैं। रीजनिंग में आप समय मत गंवाइएगा, क्योंकि ऐसा पोर्शन होता है जो सबसे ज़्यादा समय तोड़ता है, सबसे ठोस नंबर मिलते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन आपको आएगा कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे रोक दीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग ऐसा पोर्शन होता है अगर आपका दिमाग काम किया तुरंत उत्तर, नहीं तो क्या होता है, आप उसी में उलझे रहेंगे। जिस क्वेश्चन में उलझा होगा उसे बोला करके छोड़ दीजिएगा, उसको लास्ट में करिएगा। सबसे पहले आप हिंदी करिएगा, हिंदी में समय सबसे कम लगता है, हिंदी के बाद आप GS कर लीजिएगा। तो हिंदी में आपने पता है हिंदी में क्या क्या आते हैं, क्योंकि हिंदी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपके लिए है, मुझे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए खासकर, क्योंकि आप हिंदी के मामले में मुझसे बेहतर जानते होंगे, और हिंदी लगभग सब सही करके जाएंगे। जो दिक्कत होगी वो सबसे ज़्यादा होगी जनरल स्टडी GS के पैटर्न में। तो GS के पैटर्न में इस बार आयोग का जो रुख है एक बार आप देख लीजिएगा, जनसंख्या जरूर देख लीजिएगा, अगर आपको मौका मिले तो आप 2011 की जनगणना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जनगणना के साथ साथ आप करंट अफेयर पे फोकस रह सकता है, इसलिए उत्तर प्रदेश के हाल ही के
जो हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं आई है, जो नियुक्तियां हुई है, जो पुरस्कार मिले हैं, उसे आप करंट अफेयर में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था से इस बार संविधान में जो प्रश्न होंगे, पंचायती राज व्यवस्था, राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और मूलाधिकार, मूल कर्तव्य, और मतलब जो बड़े बड़े टॉपिक है, इन सभी को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न संविधान में आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। कुछ अनुच्छेद ऐसे जो पूछे जाएंगे, हो सकता है मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूं। और विटामिन से एक बार देख लीजिएगा, विटामिन से कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में एक बार उत्तर प्रदेश की भौगोलिक ढांचा न देखकर आप उत्तर प्रदेश की नदियां और भारत की नदियां कंपेयर करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप पढ़ लीजिएगा, और उत्तर प्रदेश में कुछ प्रसिद्ध स्थल है उन स्थल के बारे में पढ़ लीजिएगा, और उनका इतिहास, भूगोल दोनों संबंध मिलाकर पढ़ लीजिएगा। अभी जो हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं उनके इतिहास, भूगोलिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं करंट से ही कोलरेट करके अन्य सब्जेक्टों में बनाए जाते हैं। इसलिए आप जो GS है वही आपका सबसे अहम और निर्णायक मोड़ है, यही बता देगा कि आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनना है या नहीं, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी में लगभग सब क्वेश्चन बराबर रहेंगे, लगभग सब बेहतर करके आएंगे, क्यों, जो पढ़ने वाले हैं। और जो स्कोरिंग होगा, जो पास आउट पलटेगा, क्या है आपका GS, इसलिए GS पे आप विशेष फोकस दीजिएगा और महत्वपूर्ण तत्वों को पढ़ने में विशेष जोर दीजिएगा। और जो मेरे साथ साथी मुझसे जुड़े हुए थे, जिन्होंने मुझसे नोट्स लिया था, तो 5 नोट्स मैंने लास्ट में जारी किए थे, वह 5 नोट्स ये वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसे 10 मिनट के लिए, 10 क्या वो 1 घंटे में क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है वो आपके लिए मददगार हो जाए और कुछ क्वेश्चन हूबहू पूछ ले, इसलिए आप उससे एक बार जरूर देख लीजिएगा। और 100 नंबर के जो GS 50 प्रश्न GS का है वही आपके लिए निर्णायक है। इसलिए भौगोलिक तत्व भी देखिएगा, तो कुछ प्रमुख भौगोलिक तत्व को ही पढ़िएगा, ज़्यादा आप डीप में जाने का प्रयास नहीं करिए, क्योंकि हो सकता है परीक्षा पेपर रखने का मतलब ये बहुत टफ न बनाकर पेपर को घुमाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग जो है 1/2 है। इसलिए बुद्ध को जरूर पढ़ लीजिएगा, जैन इतिहास में जैन धर्म बुद्ध धर्म को एक बार पढ़ लीजिएगा, और मेडल हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस न करके आप मॉडर्न और एशियंट में करिएगा, क्योंकि मेरी स्वयं की राय है, बाकी आप स्वतंत्र हैं। मेडल पर अगर फोकस करिएगा तो मुगल वंश को फोकस करिएगा, मुगल वंश के प्रमुख कृतियाँ, प्रमुख पुस्तकें और प्रमुख उनके कार्य यहाँ देख लीजिएगा, और मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, छोटे छोटे मतलब ये हल्के हल्के देख लीजिएगा ऊपर ऊपर से, और शुरुआत में बलबन के थोड़े से कार देख लीजिएगा, और इल्तुतमिश के कार देख लीजिएगा, और लेकिन जब प्राचीन में जाते हैं तो वहाँ पे आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष को, और बुद्ध और जैन धर्म को देख पढ़ लीजिएगा एक अच्छे से पूरा टॉपिक बना के, और उससे थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए दोनों में क्या अंतर है, यहाँ से एक प्रश्न आने की आपकी उम्मीद है। और GS में भूगोल हो गया, और इकोनॉमिक्स में करंट से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, करंट में देख लीजिएगा, नीति आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान संस्था, ये भी देख लीजिएगा, और इसी तरह के आपके पास एक समरी अपने आप से बनाइएगा, क्योंकि यह रणनीति बना लीजिएगा क्या पढ़ना है, क्योंकि यह 12 से 24 घंटे जो आपके पास बचे हैं यह भी आपके जिंदगी सबसे अहम निर्णायक मोड़ है। इसलिए इस मोड़ के लिए आप अपना विश्लेषण के साथ अब कुछ हिसाब से इस हिसाब से आप पेपर सेट करिएगा और करंट अफेयर पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। करंट अफेयर आज से 20 दिन के पहले से पढ़िएगा, 20 दिन के पहले से करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, योजनाओं का बोलबाला रहेगा और नियुक्तियां, पुरस्कार ये आप देख लीजिएगा, बाकी भारत के जो विशेष काम है उसको देख लीजिएगा, हाल के चुनाव है इसका आपके पेपर में नहीं आना है, लेकिन हाँ किस तिथि को ऐलान हुआ कौन ये होता है ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आप सबकी जो तैयारी हुई है मैं आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, भगवान करे आप जिस उम्मीद से घर से बाहर परीक्षा में प्रवेश पत्र लेकर जाए वह उम्मीद के साथ आप वापस आए उसी की दोगुनी खुशी के साथ। इसलिए आप सब समय से पहुंचिएगा, क्योंकि सेंटर लगवाए आप लोग के दूर दूर है, समय से पहले सेंटर पहुंचिएगा, और आप लोग ठंडे कपड़े साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि ठंडे का मौसम बदले ना बदले, इसलिए परीक्षा के साथ साथ आप अपना ख्याल भी जरूर करिएगा, क्योंकि आप मेरे लिए और साथ साथ अपने परिवार के लिए और इस समाज के लिए भी एक अनमोल रत्न है, क्योंकि आप विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनने जा रहे हैं, माने किसी भी गाँव के एक भविष्य बनने जा रहे हैं। इसलिए आप तभी भविष्य बन सकते हैं जब आप स्वस्थ रहेंगे, माने आपको अगर एक अच्छे ग्राम की परिकल्पना की है, कल्पना की है, सोच रखिए, उसके लिए आपको स्वस्थ रहना भी जरूरी है। इसलिए आप अपना ख्याल स्वयं करिएगा और साथ में दवा भी रखे रहिएगा छोटे मोटे पेट दर्द से लेकर, क्योंकि ठंडी की वजह से पेट दर्द हो सकती है, इसलिए आप अपना ख्याल करिएगा, अपने साथ 2 पेन रखे रहिएगा, घड़ी लगा के जाइएगा, एकदम सारे काम समय से करिएगा और ध्यान दीजिएगा OMR शीट को सावधानी से भरिएगा, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। OMR शीट भरने में कोई गलती मत करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, बेशक पेपर की
दो मिनट बाद आप सील खोलिएगा, लेकिन ओएमआर को अच्छी तरह से जांचने के परखने के बाद खोलिएगा, और जब शुरू हो जाइएगा तो अंत कब होइएगा इस मुस्कान के साथ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं ये आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन होगा और आप ये सीट अपनी पक्की करके आएंगे। यह दावेदारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग दुगनी खुशी के साथ जाइए। मेरी शुभकामनाएं इलेनी विद्रोह की तरफ से, मेरे पूरे स्टाफ की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और मेरी शिक्षक वर्दी के साथ साथ एक वीडियो की बैच चलती थी जिसे अमित सर पूरा निर्वहन करते थे, पूरा चलाते थे, और अमित सर की तरफ से आप सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अमित सर की वीडियो बैच और रेलवे की बैच ने जो कारनामा किया है कि मैं किसी दिन अमित सर अपने मुंह से बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम रहते बेशक एक छोटे शहर में, लेकिन उसका नाम है सिराज हिंद, और मैं इस धरती का लाज बरकरार रखेंगे, और मेरे साथ जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों का मैं सम्मान करूँगा, सम्मान करता रहूँगा। वह सम्मान तब और उनके लिए हो जाएगा जब अपने पद पे विराजमान होंगे, मतलब जिस पद के लिए वो पढ़ रहे उस पद पर वो पहुंच जाएंगे, तब जाके मुझे और उनके परिवार को यह दुगनी खुशी होगी। कहीं ना कहीं यह सिराज हिंद की जो धरती है, यहाँ से जुड़ने वाला हर व्यक्ति इस इतिहास के पन्नों में उसी तरह दर्ज होता जा रहा है जिस तरह शेर शाह सूरी। तो बस अपने दिल में ठानिए कि हम हमारी पेन उसी दिन रुकेगी जिस दिन हम BDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का टैग अपने सिर पर सजो के किसी गांव के विकास के लिए निकलेंगे। तो बस शुरू हो जाइए, लग जाइए, चंद घंटे आपके पास है, यह घंटे आपके भविष्य के और एक समाज के और एक गांव के लिए एक आइडियल हो सकता है। इसलिए आप सभी लोग पूरे जुनून के साथ लग जाइए, समय से पहुंचिएगा, खा पी के जाइएगा, बाकी आपको समझदार है, बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। माइनस मार्किंग है, प्रश्न को सॉल्व करते समय विशेष सावधानी रखिएगा, गलत प्रश्नों को उत्तर मत दीजिएगा, तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि यह आपके मार्क को ले भी देगा। इसलिए आप लोग अपनी तरफ से अपने दिल पे हाथ रख के अपनी जिंदगी का बेस्ट दीजिएगा, और बाकी किसके ऊपर आप समझदार हैं, फिर भी जय हिंद जय भारत।